हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो मैं डॉक्टर अनुज गोस्वामी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जो आजकल की हमारी लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल की वजह से सबसे ज्यादा जो पेशेंट्स देखने को मिलते हैं वो सबसे ज्यादा पेट रोगों के पेशेंट होते हैं। आज हल्का सा एनोरेक्टल डिपार्टमेंट से अलग होकर बात करेंगे, क्योंकि सब पेट रोगों की जो जड़ है, जब पेट रोग की जो समस्या होती है उसी के बाद ही एनोरेक्टल की बीमारियां जो पैदा होती हैं इसी पेट से ही पैदा होती हैं। बहुत ज्यादा कब्ज की वजह से, बहुत ज्यादा पेशेंट के टॉयलेट में जाने के बाद स्टेनिंग करने से, या बहुत ज्यादा पेशेंट को हाइपर एसिडिटी गैस्ट्रिक ट्रबल बनने से, तो कहीं का भी अगर एनोरेक्टल का कोई रूट है तो वो पेट से शुरू होता है। और सबसे ज्यादा समस्या जो आजकल की हमारी लाइफ स्टाइल में है, वो सबसे ज्यादा समस्या पेशेंट्स को क्या मिलती है? सर, मेरे को गैस बनती है। सर, मेरे को बहुत ज्यादा गैस बनती है। सर, मैं क्या करूं? सर, मैं क्या दवाई लूं? सर, मैं 2 महीने से उस एलोपैथ मेडिसिन को ले रहा था, जब तक लेता रहा सर आराम था, लेकिन उसके बाद सर उसने भी काम करना बंद कर दिया। तो क्या होता है कि लंबे समय तक किसी भी एलोपैथ का एसिडिटी या गैस्ट्रिक ट्रबल के लिए खाना फायदा तो करता है, लेकिन साथ के साथ बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट भी उसके होते हैं। तो ऐसी दवाइयों से बचें, खासकर पेट रोगों के अंदर। अगर आपको किसी भी तरह का गैस्ट्रिक ट्रबल है, या आपको बहुत ज्यादा गैस बनती है, बहुत ज्यादा एसिडिटी बनती है, आपको कब्ज ज्यादा रहता है, तो कोशिश करें अपनी आयुर्वेद लेने की। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो इसलिए लिया है गैस्ट्रिक ट्रबल को लेके, जिसको हम कहते हैं आयुर्वेद की भाषा में अधोवात। अधोवात का मतलब होता है जब हमारे मल द्वार से लगातार गैस पास होती रहती है, तो इसका मतलब पेशेंट फुल्ली रिलैक्स रहता है। और जब ये गैस अधोवात की जगह ऊर्ध्वगत, मतलब अपने नीचे से निकलने के बजाय, नीचे से पास होने के बजाय वो हमारे ऊपर की तरफ चलने लगती है, इसका रास्ता उल्टा हो जाता है ड्यू टू पेशेंट की बैड लाइफ स्टाइल। अगर ऐसी प्रॉब्लम बनते तो क्या प्रॉब्लम होती है? उसकी वजह से हमारे चेस्ट के अंदर जलन हो जाएगी, एपिगैस्ट्रिक पेन हो जाएगा बहुत ज्यादा, पेशेंट को बहुत ज्यादा सरदर्द होगा, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, कभी कभी कोल्ड स्वेटिंग हो सकती है, और कभी कभी पेशेंट को हल्का सा इसी गैस की वजह से अटैक तक भी देखा गया है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन डिस्कस करेंगे जो केवल और केवल गैस के लिए बहुत अच्छा वर्क करती है, जिसका कोई भी लंबे समय तक भी अगर आप लोगे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन हम फिर भी ये कहना चाहेंगे, किसी भी तरह की दवाई, चाहे वो आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, एलोपैथ हो, कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के आप ना लें। जो आज हम मेडिसिन बताने जा रहे हैं वो मेडिसिन भी जब हम बताएंगे आपको, उसके अंदर भी आप अगर लंबे समय तक, आप 1 महीना अगर उसको लेते हो तो बीच में 15 से 20 दिन का गैप जरूर कर दें, मतलब आपकी बॉडी उन मेडिसिन को एडजस्ट करने लगती है, जिससे आपकी बॉडी उनकी हैबिचुअल हो जाती है। तो कोशिश करें किसी भी तरह की मेडिसिन को लंबे समय तक ना लें, अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट कर लें। अगर आपके डॉक्टर कहते हैं नहीं भाई आपको 3 महीने लेना है, तो देन आप 3 महीने ले सकते हो। अगर आपके डॉक्टर कहते हैं कि 1 महीने लेना है, तो आप 1 महीने ही लो, उसके बाद अपने डॉक्टर से सलाह लें कि सर क्या मैं इसको लंबे टाइम तक ले सकता हूं। अगर डॉक्टर आपके कहें कि लो, तो देन आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज इसी गैस्ट्रिक ट्रबल को लेके, गैस की बीमारी को लेके, इसकी कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन हम आपको बताएंगे, क्योंकि गैस कोई ऐसी, ये देखो गैस जो होती है, गैस्ट्रिक ट्रबल जो है ये कोई बीमारी नहीं है। बहुत सारी बीमारियों का, हमारी बैड लाइफस्टाइल का, हमारी खराब खान पान, हमारे जो दिनचर्या है खराब, उनकी वजह से एक उपजा हुआ एक ऐसा रोग है जो हमने खुद अपनी गलतियों की वजह से पैदा किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसको एक डिजीज के तौर पे आप ना रखें, एक बीमारी इसको ना माने, और इस बीमारी से बिल्कुल ना घबराएं। हमारे आयुर्वेद में एक से एक दवाइयां हैं, इतनी अच्छी अच्छी दवाइयां हैं कि आपको पहले दिन से ही रिजल्ट बहुत अच्छा देंगे, ठीक है। अभी क्या होता है फ्रेंड्स कि गैस्ट्रिक ट्रबल के साथ साथ अपचन होना, अफारा बनना, मतलब पेशेंट ने खाना खाया तुरंत पेट भरा भरा कि सर मेरा तो पेट खाना खाते तुरंत भर जाता है, सर मेरे को तो कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है, सर मेरे को बहुत ज्यादा गैस बनते हैं, सर मेरे को बहुत ज्यादा डकारे आती हैं, ऐसी प्रॉब्लम सारी सारी हमारे गैस्ट्रिक ट्रबल अधोवात से ही संबंध रखती है। तो फ्रेंड्स, आज इसी तरह की कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन आपके सामने शेयर करने वाले हैं। पर्टिकुलर किसी कंपनी का नाम नहीं लेंगे, केवल हम नाम बताएंगे, और आप मार्केट से किसी भी कंपनी की जाके, किसी भी कंपनी की, कोई भी कंपनी बनाती हो उसकी दवाई आप ले सकते हैं। हम केवल आपको जनरल नाम बताएंगे, 4-5 नाम मैं बताऊंगा, उनकी इमेजेस भी आपको दिखाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं।
सबसे पहले तो आप ये देखें कि गैस्ट्रिक ट्रबल या गैस बनती क्यों है। ये हमारी सबसे पहली बात कि अपनी अगर आपकी बैड लाइफस्टाइल है, आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि आपको उठते ही चाय चाहिए या उठते ही आपको कॉफी चाहिए, तो सबसे पहले वो छोड़ो, ठीक है। उसके बाद आप मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहले 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी लें, 1 से 2 चुटकी आप उसके अंदर नमक डाल सकते हैं। उसके बाद आप फ्रेश होने जाएं, खूब अच्छी तरह घूम फिर के टहल के फ्रेश होने के बाद आप अच्छा नाश्ता लें। उसके बाद दोपहर का लंच अच्छा लें, शाम का डिनर 6 बजे या 7 बजे तक खत्म कर लें और बिल्कुल नाम मात्र का डिनर लें। सोते समय दूध में 12 से 13 मुनक्खा डाल के लें। साथ में अगर किसी को कब्ज बहुत ज्यादा रहता है तो सत इसबगोल रेगुलर ले सकते हैं 1 से 2 चम्मच। ये नॉन हैबिचुअल ड्रग है, ये मैंने एक दो वीडियो में बता भी रखा और मैं रेगुलर बोलता भी हूं, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल अगर अच्छी होगी तो पेशेंट की रिकवरी किसी भी तरह की बहुत जल्दी बनती है। एनोरेक्टल का पेशेंट हो या पेट रोगों से संबंधित पेशेंट हो, अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं होगी तो आप कितनी भी दवाई खा लें आपको दुनिया की कोई ताकत कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, सबसे पहली बात। दूसरी बात फ्रेंड्स क्या है कि अभी आप इसके लिए गैस के लिए जितनी भी एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं प्लीज उनको बंद कर दें। हाथ जोड़ के हम आपसे निवेदन करते हैं एलोपैथिक मेडिसिन किसी भी रूप के आप लेते हैं उनको बिल्कुल बंद कर दें। अब हम जो बताने जा रहे हैं, सबसे पहले नंबर 1 गैसांतक वटी, इमेज में आप देख रहे होंगे गैसांतक वटी वैद्यनाथ कंपनी बनाती है। 3 गोली सुबह 3 गोली शाम, खाना खाने से 10 मिनट पहले गुनगुने पानी के साथ इसको पेशेंट चबा के भी खा सकता है, ऐसे ही निगल भी सकता है। चबा के खाओगे बिल्कुल चूर्ण की तरह लगती है, बहुत ज्यादा अच्छी पाचक भी है, आपकी जठराग्नि को प्रदीप्त करती है, भूख अच्छी लगाएंगी, पेट को भी साफ रखेंगी और गैस्ट्रिक ट्रबल को भी स्लोली स्लोली खत्म करेगी, जो आपको अफारा लगता है उसको भी खत्म करेगी। दैट इज द ब्यूटी ऑफ अवर आयुर्वेद की एक मेडिसिन आप एक डिजीज के अंदर लोगे वो 4 डिजीज के अंदर एक्स्ट्रा वर्क करेगी। पहली बात गैसांतक वटी की हुई, दूसरी बात गैस हर चूर्ण आता है पतंजलि योगपीठ बनाती है, पतंजलि योगपीठ गैस हर चूर्ण की 1/4 चम्मच, केवल 1/4 चम्मच खाना खाने के तुरंत बाद, खाना खाने के तुरंत बाद सुबह और खाना खाने के तुरंत बाद शाम को गैस हर चूर्ण ले, मल्टीपर्पज वर्क करता है, हाइपर एसिडिटी गैस्ट्रिक ट्रबल कॉन्स्टिपेशन अफारा वफारा जितना भी होता है, पेट की जितनी बीमारियां हैं, भूख कम लगना, जी मिचलाना, इन सभी बीमारियों का सॉल्यूशन केवल और केवल एक अकेला चूर्ण है। हालांकि आयुर्वेद के अंदर दवाइयां बहुत आती हैं, अगर मैं चाहूं तो बहुत वीडियो बना सकता हूं। दूसरा एक हिमालय कंपनी बनाती है गैसेक्स टैबलेट, आपकी मैं सबको इमेज भी दिखा रहा हूं, गैसेक्स टैबलेट आती है, गैसेक्स की 2-2 गोली खाना खाने से 10 मिनट पहले गुनगुने पानी के साथ ले लें, ये भी आपका बिल्कुल सेम वही वर्क करती है जो गैसांतक वटी करती है। इसी तरह से बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं गैसांतक वटी, गैस हर वटी, किसी भी नाम से आप ले सकते हो, गैसेक्स किसी भी नाम से ले सकते हो, हर कंपनी बना। आप इस तरह की दवाइयां लें, एलोपैथ बिल्कुल त्याग दें, क्योंकि एलोपैथ मेडिसिन एक जगह अगर वर्क करते 10 जगह नुकसान भी करती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो खैर आज तो हमारे वीडियो में इतना ही है, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो तो, ठीक है फ्रेंड्स। अपनी वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।